28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के एक उत्तराधिकारी राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या एक साइबेरियन संस्था के द्वारा कर दी जाती है, जिससे क्रोधित होकर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को साइबेरिया पर हमला कर दिया। साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और साइबेरिया की तरफ से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह सामने आ गए और जर्मनी और हंगरी ऑस्ट्रिया का साथ देने आगे आ गए। दोस्तों, एक हत्या की घटना ने दुनिया को एक भयानक विश्व युद्ध में झोंक दिया। यह विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक 52 महीने तक चला, जिसमें सैनिक और नागरिक सब मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए। यह उस वक्त तक का सबसे बड़ा जान और माल का नुकसान था। फिर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब जर्मनी के एक सनकी शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका मुख्यतः रूप से पोलैंड का साथ देने आगे आए और जर्मनी का साथ इटली और जापान ने दिया। फिर धीरे धीरे तकरीबन 70 देशों की सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इस भयानक महायुद्ध में तकरीबन 6 करोड़ सैनिक व नागरिकों की जाने गई। इस विनाशकारी युद्ध में न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण अनेकों लोग बीमारी और भूखमरी का भी शिकार हुए। यह महायुद्ध 1939 से 1945 तक चला, जिसमें भयानक रूप से जान और माल का नुकसान हुआ। यह महायुद्ध मुख्यतः जर्मनी के सनकी तानाशाह हिटलर की साम्राज्य विस्तार की भूख की वजह से शुरू हुआ और उसका साथ दूसरे तानाशाह इटली के मुसोलिनी ने भी दिया। ये दोनों निरंकुश तानाशाह थे और इंसानियत से इनका दूर दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध, इनमें शुरुआती कारण ऐसे नहीं थे जिससे कि वह कारण किसी बड़े विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। दोनों ही महायुद्धों में दूसरे देशों का कूदना क्या दर्शाता है, सभी लोग अपना अपना स्वार्थ साधने चले आए। आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले के झगड़े भी देखे होंगे। जब दो लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर झगड़ा होता है तो बाकी दूसरे लोग उनको समझा बुझा कर अलग कर देते हैं। अगर इसकी बजाय वह लोग आधे इधर और आधे उधर हो जाएंगे तो बर्बादी के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की गूंज को सुन रहे हैं। यह सिर्फ दो देशों यूक्रेन और रशिया का आपसी प्रॉब्लम है, जो कि यूएनओ में शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता है और बर्बादी से बचा जा सकता है। अब थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने साम्राज्य के विस्तार की भूख से लगभग विश्व के ज्यादातर हिस्से के बैलेंस को खराब कर दिया है और वक्त दर वक्त समस्याएं अपना सिर उठाती रहती हैं। किसी तरह उनको शांत किया जाता है, लेकिन उनका कोई परमानेंट सलूशन नहीं हो पाता। उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ यूक्रेन संबंधित ही कुछ कहना चाहूंगा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल करके रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। फिर
1922 में लेनिन व्लादिमीर के नेतृत्व में दूरदराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से सोवियत संघ की स्थापना हुई, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते थे। आज जो समस्या आप लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं, दरअसल उसने जन्म 1922 में ही ले लिया था। मैं समझाता हूं यह कैसे हुआ। किसी भी देश में उसके नागरिकों को यह फ्रीडम होती है कि किसी भी कारण से, चाहे वह काम धंधे का मसला हो या क्लाइमेट की च्वाइस हो या अपनी पसंदीदा जगह की ऑप्शन हो, जिसके लिए वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है। यूक्रेन में भी रूसी जबान बोलने वाले रूसी लोग काफी संख्या में बस गए थे। आज वो लोग यूक्रेन की टोटल जनसंख्या का तकरीबन छठा हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। तब से लेकर 2014 तक रूस समर्थित सरकार रही, जिसका रवैया रूस के लिए हमेशा हमदर्दी भरा रहा और दोनों देशों के बीच कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानुकोविच ने रिजाइन दिया और उसके बाद रूस विरोधी सरकार का आगमन हुआ, जिससे रूसी भाषी बहुल क्षेत्रों में अस्थिरता और असंतोष फैलने लगा। यूक्रेन के क्रीमिया आइलैंड में ज्यादातर रूसी भाषी रहते हैं, जिनकी हमदर्दी रूस के साथ है। वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिला। यूक्रेन की सरकार ने जब उस असंतोष को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की तो रशिया को उस पर चढ़ाई करने का मौका मिल गया कि हमारे रूसी लोगों का दमन कर रहे हैं। इस तरह रशिया ने 2014 में सैनिक कार्रवाई करते हुए क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन से अलग कर दिया। 2014 से अब तक तकरीबन 14,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों का समावेश है। इसी तरह 1947 के पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो काफी भारतीय अलग अलग कारणों से जहां जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य था जाकर बस गए थे। बहुत सारे लोगों को तो ब्रिटिश हुकूमत ने खुद ही मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में विस्थापित कर दिया और वे वहीं के होकर रह गए। बाद में सारे देश अलग अलग हो गए और भारतीयों को कुछ देशों में, खासकर अफ्रीकन देशों में, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनको वह देश छोड़ना भी पड़ा। अगर यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषी अपने देश यूक्रेन से प्रेम व हमदर्दी करें और रूस के बारे में सोचना बंद करें तो समस्या का काफी हल निकल सकता है और यूक्रेन को नाटो और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का मसला शांतिपूर्वक रूप से रशिया के साथ मिलकर कोई हल निकालना चाहिए। उसको यह नहीं भूलना चाहिए कि रशिया उसका बड़ा भाई है और पड़ोसी है। मुसीबत में सबसे पहले वही काम आएगा। आज की तारीख में भी कई देश ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। ताइवान और चाइना की मिसाल आप लोगों के सामने है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबको अपनी अपनी समस्याओं का निदान शांतिपूर्वक निकालना चाहिए। कभी कभी इन महाशक्तियों के दो रूप के बारे में सोचता हूं कि एक तरफ तो यह लोग इंसानियत के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। मसलन किसी भी देश में जब किसी भी कारणवश कुछ आफत आती है तो यह पैसों और दवाइयों के अलावा भी बहुत कुछ मदद करने की कोशिश करते रहते हैं और दुनिया में एनजीओ टाइप की संस्थाएं और मशीनरीज वगैरह भी बहुत सारी जो लोगों की सेवा में जुटी हैं।
ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक तरफ तो ये इंसानियत को बचाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ इंसानियत के विनाश का कारण भी बनते हैं। मसलन अगर युद्ध होता है तो उसमें करोड़ लोग मारे जाते हैं, बेघर होते हैं और बीमारियां फैलती हैं और भी कई तरह का नुकसान होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इनका असली रूप कौन सा है, यानी हम इनको पापी कहें या परोपकारी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।